गुड मॉर्निंग टू ऑल, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज आम पंचम श्रेणी भाषा साहित्य व्याकरण रिविजन क्लास करवा। तो वर्तमान आम क्लास फाइव सिक्सटीन पेज डिस्कस करवा। तो ओपन कर तुम सिक्सटीन पेज देख। प्रीवियस क्लास रे ऑलरेडी आम फाइव नंबर तक डिस्कस करें, आज आम सिक्स नंबर डिस्कस करवा। विपरीत शब्द लेख। ज्येष्ठ, ज्येष्ठर विपरीत शब्द कनिष्ठ। अनुराग विराग, प्राचीन नवीन। सद्गुण दुर्गुण, संकल्प विकल्प। आनंद निरानंद, अनुरक्त विरक्त। संतुष्ट असंतुष्ट, दुर्मति सुमति, रूप अरूप। ओके, सेवेन नंबर लिंग परिवर्तन कर। पुत्र, पुत्र अच्छे पुल्लिंग आम स्त्रीलिंग करवा। पुत्र पुत्री, पिता माता, राजा राणी, वृद्ध वृद्धा, भाई भौणी, नर नारी, देव देवी, ज्येष्ठा कनिष्ठा, कनिष्ठा ज्येष्ठा, ईश्वर दानव, ब्रह्मा ब्राह्मी। ओके, आठ नंबर प्रतिशब्द लेख। यथा घर, घर प्रतिशब्द गृह कहिबा, सदन आलय बास। सेपरी प्राचीनर पुरुणा अतीत, बसनर पोशाक परिधान लुगा, कठौ पादुका चपल, निया अग्नि, अनल बन्ही, नयन आखि नेत्र चक्षु, दार स्वामी पति, जल नीर पानी, वीर सॉरी बारी, पर्वत गिरी पहाड़, आउ महाधीर। पत्नी स्त्री सह धर्मिणी, माता मा जननी, जन्मदात्रा जन्मदात्री, राजा नृपति, नरेश नरपति। ओके, नाइन नंबर अशुद्ध शब्द को शुद्ध कर। प्राचीन लिखाई एटी परे चर हर्षिका दिखाई चर दीर्घिकार, अभिषेक अभि, मुदनेश्वर एकार के एकार क, प्रस्थान प्र सतले एटी प्रस्थान एटी लिखाई सतले देख एटी प्रस्थान लिखाई एमती तो ये हम प्रस्थान। ओके, वाल्मीकि करे हर्षेई, सीरीस मुधनेश अच्छी तालबेश्वर हर्षेई सी री मुधनेश, त्रुटि तरे र फला हर्षोकार टी टर हर्षिकार, आशीष आ तालबेश्वर हर्षेई मुधनेश। ओके, देन सेकेंड चैप्टर थर्ड चैप्टर आम छोट मोर गाँटी लेखक तार कवि होती सच्चिदानंद राउतराय। ये चैप्टर अलरेडी आम डिस्कस कर सारे, बर्तमान तो आम रिविजन क्लास करवा। देख शब्दार्थ किसी लिखाई चेठी आम रिविजन करदे आग। भूगोल पोथी मान रचित ग्रंथ, सठी घर मान जन्मगृह, चिता मान शब पोड़ा हेबार निया, एंतुड़ीशाल मान कौन पिला जन्म होबार घर, जोठारे पिला को निरे सेका हेबार व्यवस्था रही है ताकू कह जाए एंतुड़ीशाल। डाहा मान पोड़ा हेबा, राहा मान उपाय, बाट बा बाट, नाउआ मान ना करा, मामला माने केस करिबा, देण माने शुद्ध, आबर माने अन्य एक, प्रवास माने विदेश। ओके, देन आम तो क्वेश्चन आंसर करिया, संक्षिप्त उत्तर दियो। छोट मोर गाँटी कवितार कवि किए और तांकर दुईटी बहीर नाम लेख। छोट मोर गाँटी कवितार कवि सच्चिदानंद राउतराय, तांक दुईटी बहीर नाम हैला बाजीरायत ओ पांडु लिपि। भूगोल पोथी पतरे पछे नथाउ तार नाँटी कहिबार तात्पर्य कौन, भूगोल पोथी कविंकर गाँ एते छोटो जे भारत मानचित्र जदि कविंक गाँ ना नथाए तेबे भी कविंकु तांक गाँ अति प्रिय, तेणु भूगोल पोथी पतरे पछे नथाउ तार नाँटी बोली कुहा जाइछि। कविंक पई तांकर छोटो गाँटी काहेकि स्वर्ग परि मने होइछि। कविंक जन्म से माटीर गाँव में, जोठी कविंर सठी घर बा कविंर जन्म से ही गाँव में होवं कविंर शेष जीवन से चाहती, कवि को गाँ स्वर्ग परी मने हो। घर नंबर पांचटी पिंजरा काठी शेष कौन हेब, पांचटी पिंजरा काठी शेष डाहा मान पोड़ा हेब। गाँर जल कवि देह किपर भाव प्रभावित, गाँर जल रकत हो कवि देह प्रवाहित। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज।
କବିଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କଥା ଓ ଆଖିରେ ନୂଆ ଚାହାଣି କିଏ ଭରି ଦେଇଥିଲେ। କବିଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଫୁଲ ଶାଗୁଆଲତା ତଥା ପାହାନ୍ତି ଫଗୁଣର ଉଷା ଆଖିରେ ନୂଆ ଚାହାଣି ଭରି ଦେଇଥିଲା। କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ କିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବରେ ବିଭୋର କରିଥିଲା। କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଝରଣା ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବରେ ବିଭୋର କରିଥିଲା। କେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କବିଙ୍କୁ ନୂଆ ପଥ ଦେଖାଇଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅନ୍ଧାର ଓ ଆଲୁଅ କବିଙ୍କୁ ନୂଆ ପଥ ଦେଖାଇଥିଲା। କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ କିଏ ସପନ ଡେଉ ବୁହାଇଥିଲା। ଝରଣା କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ସପନ ଡେଉ ବୁହାଇଥିଲା। ଛବି ମହାନ୍ତି କାହାର ସାରଥି ଥିଲେ। ଛବି ମହାନ୍ତି ହରି ସୁବୁଧିଙ୍କ ସାଥୀ ଥିଲେ। କାହାର ସାଥୀ ଥିଲେ? ସୁବୁଧିଙ୍କ ସାଥୀ ଥିଲେ। ଗାଁ ଚାଷୀ କୂଳ ବିପନ୍ନ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା। ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆଉ କେହି ଚାଷୀ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଆସାମ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଁ ଚାଷୀ କୂଳ ବିପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସବୁ କଥାରେ କିଏ ମୁରବି ସାଜି ନିଜର ହାତ ହଲାଉଥାନ୍ତି। କପିଳନନ୍ଦେ ସବୁ କଥାରେ ମୁରବି ସାଜି ନିଜର ହାତ ହଲାଉଥାନ୍ତି। ଡ ନମ୍ବର ଚୌକିଦାର ଗୋବରା ଭୋଇ ସକାଳୁ କ'ଣ କହିଥିଲା କହିଥାଏ। କାଲି ରାତିରେ ଚୋରକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ଦେଇଥିବା କଥା ଚୌକିଦାର ଗୋବରା ଭୋଇ ସକାଳୁ କହିଥାଏ। ଢ ନମ୍ବର କାହାର ଭୋକିଲା ସାହା ରହିଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଗାଁର ଶେଷରେ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ଜଣେ ବିଧବା ବାସ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ଛୁଆ। ସେହି ଭୋକିଲା ଛୁଆର ସେ ଏକମାତ୍ର ସାହା। କବି ପ୍ରବାସରେ ଥାଇ କ'ଣ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। କବି ପ୍ରବାସରେ ଥାଇ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ବା ନିଜ ଗାଁ କଥା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା 1 ନମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 2 ନମ୍ବର ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍।